साहब मैं मंडी आया हुआ हूँ के अनाज में, यहाँ किसान मिले हैं। सबसे पहले तो उनकी दिक्कत ये है कि लैंड वेरिफिकेशन ना, जो फसल क्या थी, किस्म थे क्या थी, उन्होंने पोर्टल में जो भरी और पटवारी ने लिख दी दूसरी, और उसमें दिक्कत आ रही है। अब ना तो फसल लेके आ पा रहे, ना उनका गेट पास बन पा रहा किसी के लिए। ऐसे का ये इंद्री पंचायत में है, आलदो का पंचायत में है, आकेड़ा में है, ये कई जगह से ये दिक्कत आ रही है। अब मैं तो कोई ये तो बाकी व्हाट्सएप कर दूंगा, बाकी आप तहसीलदार को जिम्मेवारी लगाओ कि इन चीज़ों को बिल्कुल वो प्रायोरिटी पे कर दें। इनकी फसल ना तो मंडी ला पा रही है, ना किसी चीज़ के हो गए, और फिर वो पोर्टल जो है वो पोर्टल भी बंद है। किसी का अगर हो भी रहा है ना, दुरुस्त भी हो रहा है, तो फिर वो पोर्टल पर जाते तो पोर्टल बंद है। अच्छा दूसरा डी साहब, इसमें लोगों के 10-10, 12-12 दिन से फसल उठ भी गई गेहूँ की, और उसके बाद उनके पेमेंट नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ के गोदाम के तो दे दिए इन्होंने पेप्सी को किराए पे, और यहाँ का माल जा रहा है अब तावड़ू। सरकार को खर्चा भी ज़्यादा हो रहा है, और इनको तावड़ू में इन्वर्ट की वो जो है वहाँ वो वेयर हाउस वाले वो करते नहीं एंट्री, और इनकी पेमेंट डलती नहीं 72 घंटे की। हाँ जी हाँ जी डी साहब, किसान की फसल सही तरीके से ना उठे उसके लिए हमारी आपकी सबकी जिम्मेवारी है। सरकार तो जो है इसके लिए आप जो भी सख्त से सख्त कदम हो सके, और जो इस चीज में रुकावट बन रही है उनके खिलाफ कार्रवाई करे, परेशानी को इतना मंडी में इतना गेहूं आया हुआ है, यहाँ 40,000 कट्टों की नूह वेयर हाउस में वो कैपेसिटी थी, वो तो सारा भर गया। बाकी पेप्सी को इन्होंने किराए पे क्यों दे रखा है यहाँ का गोदाम में, मतलब वेयर अपने वेयर हाउस वालों ने, ये भी एक चीज़ देखने की। यहाँ का माल तावड़ू जाए, आप समझते हो, तावड़ू ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, और फिर उसमें किसानों को पेमेंट ना मिले। सरकार जो क्लेम करे उसके अनुसार मतलब चीज़ें होनी चाहिए। ये तहसीलदार को जी इनका करो, मैं 2-3 आपको व्हाट्सएप करके भेज रहा हूँ जो ध्वनि मेरे पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर। डियर फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब समीम रहणिया यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो टैप द बेल आइकॉन। थैंक यू।